ଆପଣ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଆସିଥିଲେ? हमारा एक ही मेन एजेंडा होगा अभी तो डेवलपमेंट वर्क, और उसके बाद में हमारा अभी जो आप सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली हमारा इलेक्शन भी आएगा, तो इलेक्शन का जो प्रायोरिटी वर्क्स है उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे और एज अ टीम उसको कंप्लीट करना है। और इन द मीन वाइल पैरेलली हमारा जो भी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंटल वर्क है या नया जो हमारे जैसे रिक्वायरमेंट्स होंगे सारे स्कीम्स में, उसको भी हम लोग प्रायोरिटी देके काम करेंगे। सर चैलेंज कौन रही है जेहेतु वर्तमान समस्त अधिकारी पुराना अधिकारी नहांती नया अधिकारी को लेकर जिला प्रशासन काम आरंभ करेगा? हमारा जो अभी नया टीम होगा उसको तो एक्चुअली मैं भी यहाँ पे नया हूँ तो ऐसे कुछ है नहीं, जो भी हमारा एस्टेब्लिश ऑलरेडी सारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स है, जो भी नए भी ऑफिसर्स आ रहे हैं वो भी ऑलरेडी ओडिशा के किसी जिले में काम करके आ रहे हैं तो उनका भी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, तो सारा एक्सपीरियंस कुछ कुछ हमारे पुराने भी जैसे कि एक साल दो साल पुराने ऑफिसर्स है उनका भी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इलेक्शन चेन में जो मोर देन थ्री ईयर्स है उन्हीं का ट्रांसफर हुआ है, तो ऐसे नहीं है कि पूरा टीम हमारा मेकशिफ्ट चेंज हुआ है, तो कुछ कुछ पहले के भी ऑफिसर्स है उन सबको मिला के हम लोग एग्जिस्टिंग इसमें ही काम करेंगे और वी आर होपिंग फॉर बेस्ट रिजल्ट। बड़ा मेगा लोअर सुतकेल का अभी हम लोग और एक बार मैं एक मीटिंग एक कंडक्ट किया हूँ, उसके बाद में डिटेल आपको मैं एक प्रेस नोट रिलीज कर दूंगा उसके ऊपर। विस्थापित समस्या का बड़ा समस्या रहेगा, हम लोग वो सब एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस और जो भी हमारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है उस सबके ऊपर ही उसको हम डिसीजन लेंगे, ऐसे किसी के साथ मतलब इनजस्टिस वी विल नॉट डू दैट।